भाई स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको कढ़ाई वाला गला बनाना सिखाने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गला बनाने के लिए। ये गला बनाने के लिए तो पहले हम इसका जो है वो सेंटर कर लेंगे। ये जो है मैंने ऐसे हमने इसको सेंटर करना है। सेंटर करने के बाद यहाँ कट लगाना है छोटा सा। ये कट लगा दिया, अभी मैंने ये कट लगा दिया। अब हम लेंगे कपड़ा, चौरस कपड़ा लेंगे। ये मैंने चौरस कपड़ा ले लिया, इसको भी हम बीच में से कट का निशान लगाएंगे इसको बराबर करके। ये मैंने कट कर लिया, तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे कपड़े को इसके ऊपर रख के इस जॉइंट को इस जॉइंट से मिला लेंगे। उसके बाद इसको हम उल्टा कर लेंगे ऐसे, यानी जो हमारा कपड़ा है वो नीचे नीचे की तरफ सीधा आ जाएगा और ऊपर हम उल्टा रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ सिलाई लगाएंगे सेंटर में, इस सेंटर में सिलाई लगाएंगे रफ सिलाई, ताकि हमारा जो कपड़ा है वो हिले डुले ना। तो चलिए सिलाई लगा देते हैं। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ रफ सिलाई लगा ली है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये गला नापेंगे कितना है। हमारे गले की चौड़ाई है 6.5 इंच, जो कि हमें 6 इंच रखनी है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी से रख सकते हैं। जो हेल्दी लेडीज़ हैं वो इसको इतना ही रखें, बाकी जो अपना कम करना चाहती हैं तो वो इतना कर सकती हैं। तो मैं यहाँ से इसको 1/2 इंच, आधा आधा इंच, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक 6 इंच। तो मैं इसको, हमारी गले की लंबाई है 7.2 इंच, 7.2 इंच, जो कि हमारा जब हम सिलाई लगाएंगे किनारे पे तो वो 7 इंच हो जाएगा। बट आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको रख सकते हैं। बट मैंने ये एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर से कटिंग किया है, बिकॉज़ जब हम गले की मोटे की सिलाई लगाते हैं तो वो आधा कपड़ा 1 इंच अंदर चला जाता है, तो जिससे हमारा गला ठीक नहीं बैठ पाता है। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा बड़ा गला लेंगे, क्योंकि हमारी ऊपर से सिलाई लग जाएगी। अगर हम 7 इंच का गला लेते हैं तो हमारी 1 इंच सिलाई ऊपर लग के तो बस जाता है, 7 इंच का 6.5 इंच रह जाएगा। तो मैंने यहाँ 7 इंच लिया है, 7.2 इंच गला लिया है। तो इसके बाद हम यहाँ से ऐसे से किनारे पे चौक से निशान लगा लेंगे। ये मैंने निशान लगा लिया है, अब हम किनारे किनारे पे इसी निशान पे सिलाई लगाएंगे। जब हम इसको सिलाई लगाएंगे तब हम ऐसे से इसको मोड़ते रहेंगे, ऐसे सिलाई लगाते लगाते। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे हम इसको मोड़ते जाएंगे हम एक हाथ से इसको ऐसे हिलाते जाएंगे। इस तरीके से हम इसको ऐसे हिलाते जाएंगे। ये मैंने सिलाई लगा रही है किनारे किनारे पे, तो हम इसकी कटिंग करेंगे। हम कटिंग इसी करेंगे, साइड में हम कपड़ा इसका छोड़ेंगे थोड़ा थोड़ा कपड़ा, ताकि वो हमारी अंदर की तरफ रहे।
गला हमारा कट गया है, अब हम यहाँ कट्स लगाएंगे ताकि हमारे गले की शेप जो है वो बहुत अच्छी आएगी बन। आप इस तरह भी कट लगा सकते हैं और आप इस तरह भी कट लगा सकते हैं, तो मैं सिंपल तरीके से लगा देती हूँ। ये मैंने कट के निशान लगा दिए हैं, अब ये यहाँ लगा देते हैं कट का निशान। है कट के निशान लगा दिए हैं, पीछे की तरफ से फोल्ड करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे। ध्यान रहे नीचे वाला कपड़ा नहीं काटना है, ये वाला कपड़ा काटना है। ये मैंने कट कर दिया है, अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके हम एक पैर की यहाँ सिलाई लगाएंगे। और ध्यान रहे हमें ये कपड़ा, ये जो हमारा कपड़ा है ये ऐसे लेके जाना है, फोल्ड करके प्रेस सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा जो गला है उसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आए। तो चलिए इसकी प्रेस सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए हमारी, मैंने यहाँ प्रेस सिलाई लगा दी है, हमारी गले की जो फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है ये मैं पास से दिखा देती हूँ आपको। ये हमने प्रेस लगा सिलाई लगाने के बाद हमारा गला ऐसे नहीं जा रहा है, वो बिल्कुल सेट है, आपका ये गला कंधे से गिरेगा नहीं। तो हम अब पीछे की तरफ इसे फोल्ड कर लेंगे। पीछे की तरफ हमें ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड कर लेंगे और एक पैर की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमारा गला बन करके तैयार हो गया, हमने इसको इस तरीके से फोल्ड किया, ये अंदर जाके अब इसकी तरपाई हो जाएगी और ये बहुत ही सुंदर लगेगा। अब इसे भी दिखा देती हूँ, ये हमारा गला बन करके रेडी है, हमें ये पीछे से ऐसे फोल्ड कर देना है और इसकी तरपाई होने के बाद ये बहुत सुंदर लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए।